सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम क्रिप्टो के में नॉर्मली यूज़ किए जाने वाले टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारा आता है क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे हम कुछ आटा दाल सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम पैसा देते हैं, या तो नोट देते हैं या कॉइन देते हैं, तो वो हमारी फिजिकल करेंसी हुई, ठीक है। हम जाते हैं उसको पे कर देते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी है ये हमारी डिजिटल करेंसी। ये कोई फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको अपने बैंक के वॉलेट में नहीं रख सकते। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। और क्रिप्टो करेंसी में जो क्रिप्टो है वो क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ किया गया है। तो क्रिप्टोग्राफी एक टाइप की टेक्निक है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन सिक्योर बनता है और जिससे जो चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी एक डिजिटल करेंसी है और ये चलती है किस ये चलती है क्रिप्टोग्राफी पे, ठीक है। अब आते हैं हम इसको स्टोर कैसे करते हैं, या फिर लेट्स से प्राइवेट की, ठीक है। सो स्टोर, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के लिए आपके पास पिन होता है, ठीक है। और वो पिन कैसा होता है कि आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह हमें वो पिन संभाल के रखना होता है, जिस तरह वो पिन एक बहुत ही सीक्रेट कोड होता है, उसी तरह हमारे यहाँ इन क्रिप्टो वर्ल्ड प्राइवेट की होती है, ठीक है। तो प्राइवेट की एक तो वॉलेट की पासवर्ड होती है, बिना जिसके हम कोई भी वॉलेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब हम एक कोई भी वॉलेट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, तो उसमें हमें 12, 16, 32 ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेसेस दिए जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इसमें होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। तो हमें उसी ऑर्डर में वो वर्ड्स याद रखने होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ के वर्ड्स हैं हिडन, वीकेंड एंड एक्सेट्रा टू अरेंज, तो हमें इसी ऑर्डर में ये सब वर्ड याद रखने हैं। और यही सब है वो रिकवरी फेज, जिसके मदद से हम वॉलेट अपना एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप इस फ्रेसेस को भूल जाते हो या कहीं लिख के रखे हो, वो मिस हो गया, तो आप कभी भी अपने वॉलेट में री एंटर नहीं कर सकते। देर इज नो अदर वे। तो सिर्फ इकलौता एक यही रास्ता है कि आप अपने सभी इन वर्ड्स को याद करके रखें, और या फिर कहीं ऐसी जगह लिख के रखें जिससे आप वॉलेट में एक्सेस कर पाए। और ये वर्ड्स आप नहीं डिसाइड करते, ये जब हम वॉलेट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें मिलता है, और हमें तभी कॉपी करके सेव कर लेना होता है। उसके बाद आते हैं पब्लिक की। तो प्राइवेट की क्या था? प्राइवेट की था आपके अकाउंट का पिन। पब्लिक की क्या है? आपका अकाउंट नंबर। तो पब्लिक की कैसे चलता है कि ये आपके वैलेट का एड्रेस होगा। तो मान लीजिए किसी को आपको क्रिप्टो करेंसी भेजनी है, तो वो आपको क्रिप्टो करेंसी कैसे भेजेगा? वो आपकी पब्लिक की लेगा और उस पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। जैसे ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजनी है, जैसे ये मेरा पब्लिक एड्रेस हुआ, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए मैं अपने आप को ही भेज के एग्जांपल दिखाता हूँ, भेजूंगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पब्लिक की है, तो हम उसकी पब्लिक की डालेंगे, और उसके बाद हम अपने वॉलेट में जिसको हमें करेंसी भेजनी है उसकी पब्लिक की डालेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे कि कितना भेजना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट करके वो पैसा या क्रिप्टो करेंसी उतने अमाउंट की उसको भेज सकते हैं। तो प्राइवेट की इसलिए यूज होती है ताकि हमें अपनी सिक्योरिटी बनी रहे, हमारे वॉलेट हमारे पास सिक्योर रहे और सिर्फ हम ही उसको एक्सेस कर पाए। पब्लिक की इसलिए यूज होती है ताकि हम जब कोई हमें पैसा भेजना चाहे या किसी से कि हम किसी को भेजना चाहे, तो हम उसकी पब्लिक की यूज़ करके उसके वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये दो मेजर की होती है। और याद रखिएगा कि प्राइवेट की हमें जब मिलती है तो उसको सिक्योर रखना होता है और उसको शेयर नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट एक पूरा क्रिप्टो का मार्केट है, जिसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो सबसे गो टू वेबसाइट है हमारी क्रिप्टो मार्केट की, कॉइन मार्केट। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कॉइन मार्केट कैप है, और यहाँ पे क्रिप्टो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, जो अच्छी हैं, ऑथेंटिक है, वो सब लिस्टेड होती हैं। तो जैसे आज की डेट में अगर हम देख सकें तो 2.2 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास है, और जो टोटल नेटवर्थ इन सब क्रिप्टो करेंसी को मिला के है वो है $2.36 trillion। तो अब यहाँ पे हम आ सकते हैं, यहाँ नीचे देख सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है,
तो ये सब क्रिप्टो करेंसीज है और इन पूरी को क्रिप्टो मार्केट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझते हैं कि जैसे बिटकॉइन है और बाकी करेंसीज है, तो बिटकॉइन बहुत पहले बन गया था, ठीक है, तो इसलिए उसको क्रिप्टो इंडस्ट्री का राजा कहा जाता है, इट इज़ किंग ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री। और बिटकॉइन को छोड़कर बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, BNB ले लीजिए, इथेरियम ले लीजिए, ये सब एक अल्टरनेटिव कॉइन या अल्ट कॉइन बोली जाती है। तो बिटकॉइन जो है वो ओरिजिनल है, बाकी सब अल्ट कॉइन। ठीक है, ये हुई क्रिप्टो मार्केट। अब जैसे बिटकॉइन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बिटकॉइन तो सबसे पहले सबसे पहले बनी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, ये बिटकॉइन ही है जिसने क्रिप्टो वर्ल्ड का जन्म किया है। ठीक है, और बिटकॉइन टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है, टोटल 21 मिलियन बने हैं, 19 मिलियन अवेलेबल है। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं बता दूं कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्ट करेंगे और उसमें से 19.4 मिलियन अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बाकी जो बचे के 3 मिलियन बिटकॉइन है वो आने वाले 116 साल में धीरे धीरे माइन होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो 2140 यानी आज से 116 साल बाद तक सब बिटकॉइन माइन हो चुके होंगे। ठीक है, और ये एक एल्गोरिथम पे काम, मतलब ये क्यों होगा कि इतने साल क्यों लगेंगे, क्योंकि इसका एल्गोरिथम वैसे बनाया गया है, जो बिटकॉइन बना था तो वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि उसको पूरा इन सर्कुलेशन आने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब ये सर्कुलेशन में आते कैसे, इसके लिए हम करते हैं माइनिंग। अब माइनिंग क्या होती है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मतलब सब कुछ हाई एंड कंप्यूटर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रिप्टो या बिटकॉइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करूँगा, जो कैलकुलेशंस होंगी मेरा सिस्टम उनको सॉल्व करेगा, और उन कंप्यूटेशन के करने के रिवॉर्ड में हमें बिटकॉइन मिलेगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, पर थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो इट्स लाइक कि हम जो कंप्यूटेशन करते हैं उसके रिटर्न में हमें रिवॉर्ड मिलता है। अब वो जैसे मान लीजिए हमने बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के रिलेटेड हमने जो कंप्यूटेशन की उसके रिटर्न में हमको बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिला, तो वो कितना रिवॉर्ड आएगा वो उस एल्गोरिथम के हिसाब से है। और जैसे मान लीजिए एक बिटकॉइन मुझे रिवॉर्ड में मिल गया, ठीक है, तो वो एक बिटकॉइन अब सर्कुलेशन में आ गया, तो ऐसे टोटल 19 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है, लेकिन टोटल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 21 मिलियन। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं बिटकॉइन वर्सेस अल्टकॉइन सीजन। तो जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन पूरे क्रिप्टो मार्केट का राजा है, और बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी कॉइन है वो अल्टरनेटिव कॉइन है। ठीक है, तो कैसा होता है नॉर्मली, ये एक प्रूवन स्टैटिस्टिक्स है कि जब कोई भी न्यू कमर या कोई भी मनी विच कम्स इन टू क्रिप्टो, वो सबसे पहले बिटकॉइन में जाती है, बिटकॉइन के बाद वो अल्टरनेटिव कॉइन्स में जाती है, तो ये एक फ्लो बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो सीजन होती है, एक बिटकॉइन सीजन होती है, एक अल्ट कॉइन सीजन होती है। तो जब बिटकॉइन सीजन चल रही होती है तो बिटकॉइन हाई होता है, ठीक है, और जब अल्ट कॉइन सीजन चल रही होती है तो अल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी मान लीजिए बिटकॉइन सीजन चल रही है तो बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये राइट टाइम नहीं है कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हाई पे है, तो हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये कम पे आएगा और हमारा लॉस होगा। तो जब बिटकॉइन सीजन चल रही हो तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या स्मार्ट मनी अल्टरनेटिव कॉइन में इन्वेस्ट करेगा, और जब ऑल्ट कॉइन सीजन चल रही हो तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले जो पहले ये देखिए कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए बिटकॉइन का ट्रेंड चल रहा है तो अल्ट कॉइन में लगाइए, अल्ट कॉइन का ट्रेंड चल रहा है तो बिटकॉइन में लगाइए। तो ये नॉर्मली एक स्टैटिस्टिक्स है जिसके हिसाब से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे ये सब क्रिप्टो करेंसीज बनी है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, एक डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ब्लॉक और चेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा और वो यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तीनों जगह वो एक ही ट्रांजैक्शन की डिटेल्स रिकॉर्ड होगी।
अब इसमें एडवांटेज क्या है, मान लीजिए कोई हैकर आता है एंड वो हैकर ट्राई करता है कि मैं ये ब्लॉक हैक कर लूँ। उसने ये ब्लॉक हैक किया, उसने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी डिटेल बदल दी। अब बदलने के बाद क्या होगा कि कोई एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बाद हम सबका डेटा मैच कराएंगे तीनों ब्लॉक का। तो क्या होगा कि यहाँ पे डेटा बदला है लेकिन यहाँ पे डेटा सेम है और यहाँ पे डेटा सेम है। तो क्या होगा, मेजॉरिटी डेटा सेम है, इसका मतलब फॉल्ट इसमें है, तो इसका डेटा रीराइट हो जाएगा। जिससे क्या होता है, तो अभी रीराइट हो गया तो फिर तीनों में सेम हो गया। तो हैकर कभी मतलब हैकर का जो मकसद था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बनी रहती है। अब यहाँ पे आप तीन ही ब्लॉक देख रहे हैं, अब आप सोचोगे कि हैकर अगर इन दोनों को हैक कर दे तो मतलब वो अपना डेटा इस वाले का डेटा रीराइट हो जाएगा और ये डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब हैकर तो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन ब्लॉक है। वहाँ जब रियल ब्लॉकचेन में हजारों करोड़ों ब्लॉक्स होती है और जो ये चेकिंग और मैचिंग होती है ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बीच में होती है, ठीक है। तो इतने ब्लॉक्स हैं कि उसमें से आधे से ज़्यादा ब्लॉक को उतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बीच में हैक करके चेंज कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कोई भी हैकर ब्लॉकचेन में लिखे हुए डेटा को हैक नहीं कर सकता। इसीलिए ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट और अच्छा ऑप्शन है डेटा को सिक्योर रखने के लिए, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, ऑथेंटिक रखने के लिए। तो इस हिसाब से ब्लॉकचेन काम करती है। अब हम आते हैं गैस फी पे। तो जैसे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ चार्जेस हमें बैंक को देने होते हैं या कुछ चार्जेस हमें उसको देने होते हैं जिसके माध्यम से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम ट्रांजेक्शन फ़ी बोलते हैं। सेम सी क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस फी कही जाती है। तो जैसे मैंने आपको कुछ क्रिप्टो करेंसीज भेजी, तो मैं जो क्रिप्टो करेंसी भेज रहा हूँ उसके बीच में जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा, अब ये ट्रांजेक्शन इन सब ब्लॉक्स पे लिखना होगा, ठीक है। इन सब ब्लॉक्स पे लिखने के लिए माइनर्स रहेंगे, जो रहेंगे वो लोग कुछ चार्ज करेंगे, उसको गैस फी बोलते हैं। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं गैस फी का। लेट्स से कि ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। अब हम इसमें मान लीजिए हम पैसा भेज, ठीक है। तो अभी 0.2 BNB का मतलब हुआ $82.92। अब हम नेक्स्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे गैस एस्टिमेटेड $0.03। तो जो मैं भेज रहा हूँ इतना पैसा मैं उसको भेज रहा हूँ प्लस इतना मैं ट्रांजैक्शन फ़ी दे रहा हूँ, वो गैस फ़ी होती है। अब आप गैस फ़ी के आगे देखेंगे यहाँ पे एस्टिमेटेड लिखा है, ठीक है। एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि गैस फ़ी चेंज होती रहती है। गैस फी चेंज कैसे होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि नेटवर्क कितना बिजी है। मान लीजिए अभी बहुत लोग ट्रांसफ़र कर, तो नेटवर्क बिजी हो गया, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि गैस फी बढ़ जाएगी। और अभी मान लीजिए कोई नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है तो नेटवर्क खाली हुआ तो गैस फी कम हो जाएगी। और ये ऑल्सो डिपेंड करता है कौन सा नेटवर्क है। जैसे मान लीजिए इथेरियम के नेटवर्क पर गैस फी $100, $50, $80 इतनी महंगी जाती, लेकिन अगर आप BNB का देखेंगे तो ये $0.03 है। तो इस हिसाब से ये गैस फी होती है, ये नेटवर्क टू नेटवर्क डिफर करती है और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है कि अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ज़्यादा गैस फी लगेगी, कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो कम गैस फी लगेगी। अगर इथेरियम का नेटवर्क है तो ज़्यादा लगेगी, यहाँ BNB का है, पॉलीगॉन का नेटवर्क है तो कम गैस फी लगेगी, ठीक है। अब हम आते हैं इथेरियम पे। तो अब मैंने आपको बताया कि जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो दो सेगमेंट में बटे हुए हैं। एक सेगमेंट है बिटकॉइन अकेला और एक सेगमेंट है अल्ट कॉइन, ठीक है। अल्ट कॉइन में जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन नहीं है वो अल्ट कॉइन में फॉल करती है। अब अल्ट कॉइन का राजा माने तो वो इथेरियम है। इथेरियम क्यों इतना बड़ा है, उसके पीछे रीजन है कि इथेरियम जब आया तो वो जैसे डी ऐप बनाने का प्लेटफॉर्म ले गया। अब डी ऐप क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन पे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास विंडोज़ है, हमारे पास एंड्रॉयड है, हमारे पास मैक है, तो हम इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं या एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करके हम डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना सकते हैं।
तो ये यूनिकनेस था इथेरियम का, और ऊपर से इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इथेरियम ने इंट्रोड्यूस कराया, और इससे एडवांटेज क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक फ्रीलांसर हायर किया और उसको बोला कि मेरी एक वेबसाइट बना दीजिए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ठीक है। अब फ्रीलांसर ने बोला ठीक है मुझे रुपए दे दो मैं वेबसाइट बना दूंगा, आपने 100 रुपये दे दी, उसने वेबसाइट नहीं बनाया, या उसने वेबसाइट बना दी और आप पैसा देने से मना कर रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो उस केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत मदद करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक पीस ऑफ कोड है जिसमें लिखा जाता है कि इफ़ यू डू एक्स वाई विल हैपन। सो लेट्स से आपने एक कोड लिख दिया कि अगर वेबसाइट बना दिया तो मेरे अकाउंट से 100 रुपये उसके अकाउंट में चले जाए। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, अगर वो वेबसाइट बना दिया मतलब उसने पूरी वेबसाइट जिस हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वैसे बना दी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। अगर वो नहीं बना पाया तो पैसा नहीं जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इथेरियम ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, और इस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन भी है कि हम इससे जो फॉल्ट होते हैं जो फ्रॉड होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिएट और स्टेबल करेंसी पे। तो फिएट करेंसी होती है जैसे हमारा रुपया हो गया, हमारा डॉलर्स हो गया, हमारा यूरो हो गया, ये फिएट हुआ। स्टेबल करेंसी वो होती है जो उन्हीं की क्रिप्टो फॉर्मेट होती है। अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये बिटकॉइन है, ठीक है, ये बिटकॉइन है। अब यहाँ पे ये देखिए USDT, ये एक स्टेबल कॉइन है, तो इसकी वैल्यू $1 ही रहेगी। अब जैसे इथेरियम की वैल्यू $3,472 है, ठीक है, इसकी USDT की वैल्यू $1 ही रहेगी। हाँ, इसकी 0.9 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली $1 ही है, $1 पे ही रहेगा, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये सब स्टेबल कॉइन होते हैं। अब स्टेबल कॉइन का यूज़ क्या है, मान लीजिए बिटकॉइन $50,000 पे था, आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया, 2 दिन बाद वो $62,000 पे आ गया, अब आपको $12,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप अपना पैसा उसी में रखे रहेंगे, बिटकॉइन में ही रखे रहेंगे, तो 2 दिन बाद हो सकता है ये $40,000 पे पहुंच जाए, तो आपका फिर से $10,000 का लॉस हो गया, ठीक है, या 62,000 से लें तो आपका 22,000 का लॉस हो गया। तो आप क्या करेंगे, अभी आप अगर उसको डॉलर में निकाल लेते हैं तो फिर दिक्कत होगी, आपको फिर से किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 62,000 जैसे पहुंचा हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे USDT में, कर लेंगे तो इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता, तो ये $1 ही रहेगा। तो हमारा अगर बिटकॉइन 40 भी हो गया, इथेरियम भी 2,000 भी हो गया, तो भी हमारा USDT $1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो पार्क करने के लिए हम USDT या स्टेबल कॉइन इन सब का यूज़ करते हैं। तो स्टेबल कॉइन और फिएट करेंसी ये होती है, फिएट करेंसी होगी हमारी USDT और स्टेबल हो गया हमारा फिएट करेंसी हो गई हमारी USD और स्टेबल कॉइन हो गया हमारा USDT। तो ये दोनों की वैल्यू $1 ही रहेगी, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है वो नॉर्मल फिएट करेंसी है, और इसको हम प्रॉफिट पार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मार्केट कैप एंड वॉल्यूम। तो मार्केट कैप क्या होता है कि जितने जैसे मान लीजिए बिटकॉइन है तो 21 मिलियन बिटकॉइन की जो वैल्यू होगी, पूरी वैल्यू मतलब अगर कोई पूरा 21 मिलियन बिटकॉइन बाई करना चाहे तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो होता है मार्केट कैप। वॉल्यूम होता है कि पिछले 24 घंटे में कितना अमाउंट का बिटकॉइन खरीदा या बेचा गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बिटकॉइन है, ठीक है, अब इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है, इसकी मार्केट कैप है इतनी, ठीक है, तो बिटकॉइन की वैल्यू इतनी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसमें $24 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि पिछले 24 घंटे में जितना बिटकॉइन खरीदा या बेचा गया उसकी वैल्यू थी $24 बिलियन, ठीक है। अगर आप वही चीज USDT में देखेंगे तो ये $5 बिलियन है, ठीक है। तो पिछले USDC या USDT इसमें देखें $69 बिलियन है, ठीक है।
तो ये बिटकॉइन से ज्यादा है, क्योंकि जब लोग अपना प्रॉफिट बना लेते हैं तो वो अपने पैसे को स्टेबल कॉइन में मूव कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, तो और इसमें वॉल्यूम कम, तो ये हुआ वॉल्यूम, ये हुआ मार्केट कैप। अब इन दोनों की जरूरत क्या है, जैसे मान लीजिए अभी इथेरियम का मार्केट कैप है $417 बिलियन, ठीक है, और लेट्स से और भी कुछ लेते हैं, कोई छोटी सी क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए इसकी प्लैनेट की मार्केट कैप है $76 मिलियन, तो अभी मान लीजिए हमने $1,000 इथेरियम में इन्वेस्ट किए और $1,000 प्लैनेट में इन्वेस्ट किए, इथेरियम की वैल्यू कितनी है $417 बिलियन, तो अगर उसमें हमने $1,000 डाला और हमारा 1,000 2,000 बनना है, अगर हम चाहें कि हमारा 1,000 है जो है वो 2,000 बन जाए, तो उसमें क्या होगा, जो $417 बिलियन का मार्केट कैप है वो $834 बिलियन का बनना अगर बनेगा तो हमारा 1,000 जो होगा वो डबल हो जाएगा। मतलब समझे ना कि अगर मार्केट कैप डबल हुआ तो ही हमारा इन्वेस्टमेंट डबल होगा, तो आप समझिए कि $417 बिलियन को $834 बिलियन बनने में कितना टाइम लगेगा और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सो विच इज़ लाइक लेस लाइकली टू हैपन, मतलब इस उसकी उतनी संभावना नहीं है कि 417 बिलियन 834 बिलियन बन जाए, लेकिन ये जो 76 है, 76 बिलियन है, ठीक है, तो इसको 152 मिलियन बनने में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि 152 मिलियन बहुत कम पैसा हुआ, लेकिन 834 बिलियन बहुत ज़्यादा हुआ, तो अगर हम 1,000 इसमें लगाए और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा $1,000 2,000 बन जाए, तो उसके लिए ये 76 मिलियन को 152 मिलियन बनना पड़ेगा, ठीक है, वो बहुत आसान है, मतलब कंपेयर टू 834 बिलियन के, इसलिए हम मार्केट, अब हम वॉल्यूम क्यों देखते हैं, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोग पिछले 24 घंटे में उस कॉइन में इंटरेस्टेड थे, तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे में इसमें ज़्यादा लोग अंदर आए हैं बाहर गए हैं अंदर आए हैं बाहर गए हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में है, तो मार्केट कैप इसलिए देखते हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है कि कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इसलिए देखते हैं कि कितना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर कॉइन में, तो ये हमारा मार्केट कैप और वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस होता है। अब हम आगे देखें तो वोलेटाइलिटी, ठीक है, अब जैसे किसी भी चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है उसी तरह क्रिप्टो की स्पेशलिटी है उसकी वोलेटाइलिटी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज एक कॉइन $0.01 का है, कल वो $1 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, इसमें ऐसे बहुत जल्दी पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 500 गुना हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत जल्दी पैसा आपका ऐसे ख़त्म भी हो सकता है, जैसे $100 से $1 हो गया, $50 हो गया, $10 हो गया, तो हाई रिस्क है क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड मार्केट है। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन ETF वगैरह आए हैं तो बिटकॉइन थोड़ा सा रेगुलेशन की तरफ बढ़ेगा, उतनी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन बहुत सारे जो अब कॉइन है, बहुत सारे क्या लगभग सभी कॉइन एक्सेप्ट बिटकॉइन जिनका ETF नहीं आया है, तो उनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, उनका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा, हाई रिस्क होगा, प्रॉफिट अच्छा बन सकता है और लॉस भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो ये वोलेटिलिटी है और ये ही एक स्पेशलिटी है क्रिप्टो मार्केट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है इन्वेस्टिंग, होडल और ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग ये होता है कि मान लीजिए आपने $100 लगाए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने 1 साल बाद जब ये 300 बन जाएगा तो मैं निकाल लूँगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और इसमें एक गोल होता है कि 3x बन जाए, $300 बन जाए, $400 बन जाए, ठीक है, तब मैं निकालूंगा, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म होता है और इसमें हम एक गोल सेट करके रखते हैं कि जब तक ये गोल अचीव नहीं करेंगे तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। अब आते हैं होडल पे, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास $100 है, हमने उठा के एक क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया, अब वो चाहे प्रॉफिट ले चाहे लॉस करे हमें मतलब नहीं, हम उसको देखने भी नहीं जाएंगे, पड़ा है पड़ा रहने दो,
जब मन किया तब कभी देखेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म 2 साल बाद देखती या 3 साल बाद देखती, इसमें गोल नहीं है। ये भी लॉन्ग टर्म ही होता है लेकिन इसमें गोल नहीं है। इन्वेस्टिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में हमारा गोल भी सेट होता है। ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जैसे 11 बजे से 12 बजे तक कर लिया, या एक दिन के लिए कर लिया, या एक हफ्ते के लिए कर लिया, या 2 हफ्ते के लिए कर लिया। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन तीनों में। तीनों का मतलब यही होता है कि हम किसी क्रिप्टो करेंसी पे पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टिंग में हमें ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं और हमारा गोल सेट है। होडल में क्या होता है कि हम लगा रहे हैं लेकिन हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें हम 1 वीक 2 वीक बस इतना ही रखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो जैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक एनालिसिस करनी पड़ती है जो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करती है। उसमें से कुछ चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं, जैसे टीम हो गया, ठीक है। तो हमें किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो टीम उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बिहाइंड है, जो जिसका वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, वो टीम एक्सेलेंट है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो कोई फ्रॉड नहीं है, उनका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके बारे में रिसर्च करो कि हाँ वो अच्छे लोग हैं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने फ्यूचर लाइक पास्ट में कोई ऐसा शेडी काम नहीं किया हो। तो इस हिसाब से टीम के बारे में जान लेना भी एक अच्छा प्लस पॉइंट देता है, कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के पास जो मनी होती है उसको नॉर्मली हम स्मार्ट मनी कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर कहीं भी जब पैसा लगाता है तो वो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोजेक्ट के फाउंडर से मिलता है, उनसे डिस्कशन करता है, विजन मिशन सब क्लियर करके उस पर पैसा डालता है। तो अगर इन्वेस्टर्स कोई बड़ा नामी जो इन्वेस्टर होते हैं वो अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हैं तो उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो वो मतलब हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट पे हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक बड़ा रेप्यूटेड इन्वेस्टर भी उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो क्रिप्टो 2 चीज़ों से चलती है, एक यूटिलिटी, दूसरा उनका कितना स्पेकुलेशन है, कितना हाइप है, कितना ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस उनका कैसा है, स्पेशली ऑन ट्विटर, ठीक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उनका इंगेजमेंट कैसा है, बॉट फॉलोअर्स हैं कि रियल फॉलोअर्स हैं, तो डिस्कॉर्ड का चैनल कितना बड़ा है, टेलीग्राम पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस हिसाब से हमें उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देखना होता है। उसके बाद आता है व्हाट प्रॉब्लम आर दे सॉल्विंग। सबसे मेजर ये एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है कि अगर कोई एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री की या कोई भी इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे इथेरियम आया तो उसने वो अपना प्लेटफॉर्म लेके आया जहाँ पे आप डी एप्स बना सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की या एक नया इन्वेंशन किया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट के पास पोटेंशियल है जो आगे जाके हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें टीम का ध्यान रखना है, हमें इन्वेस्टर का ध्यान रखना है, हमें सोशल मीडिया प्रेजेंस भी चेक करते रहना है, और हमें ये भी देखना है कि वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब हम आते हैं बुल और बेरिश। तो बुलिश मार्केट ये होती है जब बायर ज़्यादा होते हैं, बेरिश मार्केट वो होती है जब सेलर ज़्यादा होते हैं। तो जब बायर ज़्यादा होते हैं तो वैल्यू ऊपर बढ़ती है, जब ऊपर बढ़ती है तो उसको बुलिश बोलते हैं, जब सेलर ज़्यादा होते हैं तो वैल्यू नीचे आती है, तो जब वैल्यू नीचे आ रही है तो उसको बेरिश बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे और सीखेंगे। उसके बाद हम आते हैं रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केटर। इट इज़ नॉट मार्केटर, इट इज़ इन्वेस्टर, पार्डन मी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। अब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में डिफरेंस ये होता है कि रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोग होते हैं जो 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 डॉलर लगाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जैसे बैंक्स हो गई, कंपनीज हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं, मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बहुत कम होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा ज़्यादा होता है, और उसी हिसाब से मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रिटर्न भी अच्छा होता है, रिटेल का उतना अच्छा रिटर्न नहीं होता। तो रिटेल एवरीडे छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और लगा के 2 साल तक छोड़ देते हैं, ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। अब हम आते हैं वॉलेट। तो हमने पहले देख लिया कि क्रिप्टो करेंसी है,
हम उसको वॉलेट में रखते हैं, हम उसको प्राइवेट की से सिक्योर करते हैं। तो प्राइवेट की हमारे वॉलेट की पिन हो गई, ठीक है, पब्लिक की हमारे वॉलेट का एड्रेस हो गया। जहाँ तो हमें किसी को पैसा भेजना है तो हम पब्लिक की से भेजेंगे, और हमें अपना वॉलेट खोलना है तो हम प्राइवेट की से खोलेंगे। अब हम समझते हैं वॉलेट कितने टाइप के होते हैं। तो वॉलेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट, एक होता है कोल्ड वॉलेट, ठीक है। अब हॉट वॉलेट वो होता है जैसे एक्सटेंशन हो गया, क्रोम में एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, ऐप्स हो गए, मोबाइल पे ऐप्स हो गए। जैसे अभी मान लीजिए ये है, तो ये मेरा हॉट वॉलेट है क्योंकि ये एक्सटेंशन है, इजी हैंडी है, मैं किसी भी मोमेंट इसको खोल के अपना ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा यू नो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस और दूसरा टाइप का जो वॉलेट होता है वो होता है कोल्ड वॉलेट, ठीक है। तो कोल्ड वॉलेट एक फिजिकल वॉलेट होता है, तो ये जैसे प्रिंट ड्राइव जैसा होता है, ठीक है, प्रिंट ड्राइव से कर बोल लीजिए या छोटा सा बॉक्स बोल लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रेड हमें लेना है, वो हमें उसी सेकेंड लेना है क्योंकि उस सब के सेकेंड वैल्यू नीचे आई। तो अगर हमारा क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉलेट में हुआ तो हम कोल्ड वॉलेट कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, खरीदेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगता। तो जो हॉट वॉलेट होता है उसका एक एडवांटेज है कि हम उससे जो एवरीडे यूज़ के केस के लिए हमें हॉट वॉलेट यूज़ करना है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है हमने, ठीक है, तो हम उसको हॉट वॉलेट में रखेंगे तो ये रिस्क रहेगा कि वो हैक हो जाता है, क्योंकि हॉट वॉलेट हमारा हमेशा ब्राउज़र से कनेक्टेड है या फ़ोन ऐप में है, ठीक है, ये और हमारा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारा ब्राउज़र इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इन इस केस में कोई भी कहीं रिमोट एरिया में बैठ के इन केस कोई वायरस वगैरह डाल के हमारा वॉलेट हैक कर सकता है, उस केस में हॉट वॉलेट पे रिस्क ज़्यादा है। वेयरएज कोल्ड वॉलेट में क्या होता है कि जब तक हैकर को कोल्ड वॉलेट फिजिकली नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं हैक कर सकता। इवन इफ ही गेट्स इट फिजिकली, उसके बाद भी उसको एक फ्रेज या पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि वो हमारे कोल्ड वॉलेट को एक्सेस कर सके। तो कोल्ड वॉलेट हम नॉर्मली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी हो जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है, और हॉट वॉलेट हम डेली ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट। अब हम आते हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। सो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वो होते हैं जहाँ पे हम एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज वो इसलिए है क्योंकि उसका वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सीईओ है, जिनकी एक मार्केटिंग टीम है जो या फिर एक पर्टिकुलर यू नो लिस्टिंग टीम है जो डिसाइड करती है कि कौन सा कॉइन उनके इस पे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, कैसे सेल होगा, ठीक है, कैसे सेल नहीं होगा कि या KYC होगा, ये सब होता है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, कोई भी सीईओ नहीं होता, ये एक बार बना के छोड़ दी जाती है, इनका सर्वर होता है, हम जाते हैं इन पे अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं और हम अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। सो इसको अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं अपने ब्राउजर पे। सो मान लीजिए अब हम पहले सेंट्रलाइज की बात करेंगे, तो जैसे वजीर एक्स, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप, सॉरी कॉइन DCX, ठीक है। अब वजीर एक्स हो गया, तो वजीर एक्स एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब अगर मुझे इस पे ख़रीदना है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे इंडियन रुपीज़ इस पे डिपॉजिट करूंगा, ठीक है, और कुछ खरीदूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने बाइनेंस खरीदा, तो मेरा बाइनेंस वजीर एक्स के ही प्लेटफॉर्म के वॉलेट पे रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने इस वॉलेट पे ये रख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वॉलेट पे रख रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉलेट भी इन्हीं के हाथ में होता है, और कौन सा कॉइन ये लिस्ट कर रहे हैं या कौन से कॉइन से हम कौन सा कॉइन एक्सचेंज कर सकते हैं वो भी इन्हीं के हाथ में होता है। कॉइन DCX में भी यही है कि इन्हीं के पास वॉलेट होगा। अब एक आता है ये पैनकेक स्वैप या यूनी स्वैप, ये होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, उनका कोई सीईओ नहीं है। जैसे मान लीजिए वजीर एक्स में कोई सीईओ है, उसने डिसाइड किया कि कल बाइनेंस कॉइन हम नहीं लिस्ट करेंगे, तो वो बाइनेंस कॉइन अपने प्लेटफॉर्म से हटा सकता है। उस केस में हमारे क्या होगा कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर हमें ख़रीदना है तो हम यहाँ से नहीं खरीद सकते क्योंकि इनके पास बाइनेंस कॉइन नहीं है और हमारा जो फंड्स है वो इनके ही प्लेटफॉर्म पे स्टोर है।
अब पैनकेक स्वैप ये डिसेंट्रलाइज होता है, तो इसमें क्या करना होता है, अभी मेरा वॉलेट कनेक्टेड है तो हम डिसकनेक्ट करते हैं। सो लेट्स से ये हमने अपना, अभी जैसे हमने ये खोल लिया, ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई सीओ नहीं, हमने अपना वॉलेट कनेक्ट किया, हम जो चाहे वो वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो हमने अपना मेटामास्क कनेक्ट किया, ठीक है, मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट हो गया। अब मुझे कोई भी कॉइन चाहिए मैं यहाँ पे खरीद सकता हूँ, मान लीजिए उस कॉइन जैसे बिग रो प्ले, ठीक है, ये कुछ भी कोई भी कॉइन खरीद सकता हूँ। अगर उस कॉइन के बारे का नाम नहीं पता, जैसे मान लीजिए बेरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसका ये दिया होता है कोड कहाँ गया, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके चेन एक्सप्लोरर था मैंने पीछे कर दिया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया होता है, जैसे मान लीजिए ये इथेरियम पे बना है, ठीक है, मोड, तो इसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे, ठीक है, प्लानेट आ गया, ठीक, अब हमने प्लानेट ले लिया, अब हमें $26 का प्लानेट खरीदना, हमने खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या होगा, ये फिर मेरे इसमें मेरे इस वॉलेट में चला जाएगा और मैं यहाँ के आके डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब मेरी करेंसी मेरे वॉलेट में है, मैं जो मन कहे वो करूँ, जहाँ मन कहे वहाँ भेज दूँ, और इससे एडवांटेज क्या है कि मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, अपने वो अपना फंड्स मैनेज कर सकता हूँ। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि मुझे अपनी ही सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए मैं मेरे वॉलेट से कुछ भी मिसिंग हुआ या बाई मिस्टेक मैंने किसी को भेज दिया या किसी ने हैक कर लिया, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वेर एज सेंट्रलाइज्ड में ये लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारे जो फंड्स हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है। तो ये डिफरेंस है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरएक्स, कॉइन डीसीएक्स और भी बहुत सारे, डिसेंट्रलाइज भी बहुत सारे हैं, जैसे पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ठीक है, ये सब डिसेंट्रलाइज्ड। तो आई होप डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इज क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं आईडीओस और लॉन्च, ठीक है। तो अगर आपने अभी ऑब्जर्व किया हो तो बाइनेंस की जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली $400 की है, ठीक है, लेकिन इनिशियली एक टाइम था जब बाइनेंस की प्राइस थी $0.20, ठीक है, तो जिसने $0.20 में बाइनेंस खरीदा होगा और आज उसके पोर्टफोलियो में 2000 times उसका पैसा बढ़ा होगा, मान लीजिए उसने एक डॉलर तब इन्वेस्ट किया था, तो आज उसकी वैल्यू $2000 होगी। तो ये क्यों इतना हाइक मिला उसे, क्योंकि उसने बहुत इनिशियल स्टेज पे बाइनेंस खरीद लिया था, ठीक है। तो इस केस में आईडियोस वही करते हैं, आईडियोस का मतलब होता है इनिशियल डेस्क ऑफरिंग। अगर मान लीजिए मैंने कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई और उसको किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट करने से पहले, वजीरएक्स हो, कॉइनडीसीएक्स, बाइनेंस, इन सब में लिस्ट करने से पहले ही मैं आपको बेच दूं, ठीक है, तो नेगोशिएशन ज़्यादा होगा, आप उसको कम प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही कोई कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाती है। जाके इस वीडियो के बाद आप जाके रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही वो किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होता है, एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो हम इनिशियल डेक्स ऑफरिंग में बहुत ही छोटे अमाउंट प्राइस पे हम कॉइन खरीद सकते हैं और जैसे ही वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो हम उसको बेच सकते हैं। अब ये इनिशियल डेक्स ऑफरिंग मतलब लॉन्च होने से पहले या एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले हम कॉइन खरीदे कैसे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्च पैड, ठीक है। तो लॉन्च पैड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो कॉइन आते हैं जो अभी किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं। नॉर्मली अगर हमें कोई कॉइन खरीदना है तो हम या तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे या तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे, जैसे यहाँ जाएंगे और एक्सचेंज ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम वो कॉइन चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद यहाँ से बाई और सेल चूज़ करके बाई कर लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चूज करेंगे और बाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए वो इन दोनों पे ही नहीं लिस्टेड है तो हम लॉन्च पैड्स पे जाएंगे, ठीक है। लॉन्च पैड पे वो कॉइन होते हैं जो कहीं और एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते, तो हम उनको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे खरीद सकते हैं,
और जैसे ही वो लिस्ट होते हैं हमारा उन कॉइन्स की वैल्यू बढ़ जाती है और तब हम सेल कर सकते हैं जिससे हमें मोटा पैसा इन प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा। तो ये होता है आइडियोस एंड लॉन्च पैड। ठीक है, अब फाइनली आते हैं मीम कॉइन। तो मीम कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती। जैसे मान लीजिए इथेरियम की क्या यूटिलिटी थी, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बाइनेंस की क्या यूटिलिटी थी, उसने ट्रांजेक्शन फी रिड्यूस किया। पॉलीगॉन की क्या थी, उसने ट्रांजेक्शन फी लगभग ख़त्म ही कर दिया। ये मीम कॉइन का क्या होता है, इनकी यूटिलिटी नहीं होती। ये किस पे चलते हैं, ये हाइप पे चलते हैं। ठीक है, जैसे इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया तो किसी कॉइन की वैल्यू बढ़ गई, वैसा उस टाइप पे होता है। ठीक है, तो मीम कॉइन जैसे मान लीजिए अभी कैटेगरीज में आए हम, ठीक, और यहाँ पे हुए मीम कॉइन। तो ये सारे मीम कॉइन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है। ठीक है, ये कभी भी बहुत आगे मतलब हो सकता है आपका पोर्टफोलियो जो है उसको 10x कर दे, 1000x कर दे, और हो सकता है आपको वो $1000 से $100 मिले। तो इनमें कुछ भी हो सकता, ये एक एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए मीम कॉइन का होता है। जैसे स्पेशली डोज कॉइन का, अगर इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया था जब करते थे तो इसका प्राइस बढ़ जाता था, नहीं तो कम हो जाता था। ठीक है, तो ये वो दिल्ली सोशल मीडिया स्पेकुलेशन पे चलता है। अब मीम कॉइन में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक और जो रीज़न है वो ये है कि मान लीजिए अभी बिटकॉइन की प्राइस या बीएनबी की प्राइस $400, ठीक है, तो $400 में वो आपको एक कॉइन मिल रहा है। ठीक है, अभी वही मान लीजिए आपके पास $1 है, तो $1 में तो आपको लगभग ना बराबर बीएनबी मिलेगा। लेकिन अगर वही आप $1 लेट्स से शिबा इनू में स्टोर करते हैं, तो शिबा इनू 1, 2, 3, 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1234 2284। ठीक है, अगर आप $1 का बीएनबी खरीदते हैं तो वो मतलब एकदम 0.00000 ऐसा रहेगा, मतलब नाम मात्र का रहेगा। लेकिन अगर वही आप $1 का शिबा इनू खरीदते हैं तो आपके पास 43,782 शिबा इनू आएंगे। तो ये क्या होता है कि जब हम इनिशियली कोई इन्वेस्टर होता है तो उसके पोर्टफोलियो में ये देखने में अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपना शायद पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो शिबा इनू में किया था, और मैंने 40 लाख शिबा इनू कॉइन खरीदे थे। तो उससे क्या होता था कि जब मैं अपना पोर्टफोलियो खोलता था तो मुझे देख के खुशी होती थी कि अरे मेरे पास तो 40 लाख कॉइन है। तो ये काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास 40 लाख कॉइन है, मतलब 4 मिलियन कॉइन ऑफ शिबा इनू। वही चीज़ अगर आप उतना अमाउंट बीएनबी या बिटकॉइन में डालेंगे तो आपको तो 0.01% में ही मिलेगा। तो ये दो चीज़ों की वजह से मीम कॉइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बहुत फेमस होता है। जैसे डोज कॉइन बहुत फेमस हुआ, शिबा इनू बहुत फेमस हुआ, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पे भी बहुत फेमस हुआ, बहुत अच्छा। तो ये सब रिटर्न अच्छा देते हैं, लॉस भी अच्छा कराते हैं, और आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देते हैं कि हाँ भाई आपके पास तो बहुत कॉइन है। ठीक है, तो ये हुआ मीम कॉइन। अब इसके साथ हमने मेन जो टर्मिनोलॉजी है वो कवर कर ली है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो मैं आगे आपको समझाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।